आज हमारे साथ हैं अलोक सरकार। ये बांग्लादेश के सिटीजन हैं। उन्होंने हमें संपर्क किया है, अपनी इनकी कुछ क्वेरी है फॉरेन जाने के लिए, तो इनकी क्वेरी लेंगे और कोशिश करेंगे इनकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। तो अलोक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी इस यू मीटिंग में और मेरी तरफ से आपको नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार सर। थोड़ी अब पीछे बॉयज आ रही है, आई थिंक सो, कोई बॉयज आ रही पीछे? ठीक है, ठीक है। तो ऐसे है कि एक जनरल इंट्रोडक्शन होगा, पहले मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछूंगा। आप थोड़ा बताएंगे, आप थोड़ा ये बताएंगे कि आप रहने वाले कहाँ के हैं अलोक सरकार? सर, बेसिकली आई एम फ्रॉम बांग्लादेश एंड माय प्रीवियस स्टडी which I have completed my graduation in microbiology and this education I completed from Calcutta. It was a 3 years course duration and now I'm planning for masters in abroad and my preference country is Scandinavian, Sweden, Finland, this country. Okay. Can't you tell me from which university you completed your this microbiology BSc? Okay, sir. Tell me the university name. Maulana Abul Kalam Azad University of Technology. Where it is located? Sir, it is located in Calcutta, okay. Salt Lake. Okay. This is the government university or it is the deemed university? Or it is a private? Sir, I have completed my bachelor's in a private university, but it is affiliated with government. Government university. Understood. And second thing, tell me about, मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि आप हमें कब से फॉलो कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को या हमारी जो भी सोशल मीडिया को है, हमारे बारे में आपको कहां से पता चला? क्योंकि आप बांग्लादेश के रहने वाले हैं और आप कलकत्ता से स्टडी की हुई है, मैं इधर पंजाब में बैठा हुआ हूँ, आपको ऐसे कितना ट्रस्ट आ गया हमारे ऊपर, ऐसे कैसे ट्रस्ट आ गया हमारे ऊपर कि हाँ हम अपना काम ये पंजाब वालों से कराएं, वो भी स्पेशली क्रॉनिमिकेशन वालों से कराएं, और वहां पर आप बैठे हुए हैं बांग्लादेश में, कलकत्ता में, और इवन आपने अभी तक मुझे मिले नहीं है फिजिकली, और सिर्फ आई थिंक व्हाट्सएप के ऊपर चैट हुई है, चैट के बाद आपने अपने पैसे ट्रांसफर कर दिए हमें, आई थिंक पैसे भी भेज दिए ना आपने कुछ हमें, पैसे भी भेज दिए, और आज की डेट में एक छोटी सी एग्जाम्पल भी मैं दूंगा साथ में। आप ये देखिए, अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, उसको कहिए कि सर मुझे 5,000 रुपया चाहिए, उससे 5,000 रुपीज मांगिए, तो मैं बोरो करने है, उधार लेना है, क्या वो आपको पैसे 5,000 रुपया इजीली दे देगा? कोई भी एक्स वाई जेड किसी से मांगते हैं तो एक एग्जाम्पल नहीं देगा। और आपने सिर्फ हमारी वीडियोस देखी वहां बैठकर, इतनी दूर से वहां बैठकर वीडियोस देखी है, सिर्फ फोन पे डिस्कशन की और वहीं से अपने जो 15,000 रुपया हमें ट्रांसफर, 15,000 हमें ट्रांसफर करवा दिया। तो इसीलिए आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ स्पेशली कि आप हमें कब से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कैसा ट्रस्ट आ गया कि क्रॉन इमिग्रेशन एक ट्रस्ट वर्दी कंपनी है, वो आपका काम कर सकती है, थोड़ा सा इसका फीडबैक जरूर दीजिए। सर, एक्चुअली मैं आपका चैनल यूट्यूब पे लगभग 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मेरे को सर पहले से ही एक लगाव था, मेरे को स्टडी करना है अब्रॉड में, तो मैंने देखा आपका जो है ना, आपके चैनल पे बहुत ही डिटेल्स में वीडियो अपलोड होता है जो स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दैट्स व्हाई आई एम, वन डे आई वाज सर्चिंग ऑनलाइन how to study abroad and I found your channel and it was really amazing because aapke channel mein bahut hi bariki se sir sab detail diya jata hai jo students ke liye mujhe lagta hai sir bahut hi faydemand hota hai। acha dekhiye bangladesh ke andar bhi bahut sare consultant hai immigration ke, kolkata ke andar bhi bahut sare consultant hai, delhi ke andar delhi bhi raaste mein padta hai, fir bhi aapne hum pe trust kiya, aapko laga ki ये कंपनी ट्रस्टवर्दी है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालती है, तो ऐसे है अलोक सरकार, आपका थैंक्स करते हैं कि आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, हम पे ट्रस्ट किया है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपका ट्रस्ट ब्रेक ना करें, व्हाट्सएवर सर्विस के लिए आपने हमें एंगेज किया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको मैं फुलफिल करूं, और हमारा ऑलवेज टॉप प्रायोरिटी रहती है ऑनलाइन क्लाइंट्स की वी आर गिविंग ए टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि आपने मिले नहीं है, कभी कुछ डिस्कशन नहीं की, वीडियो देख के ट्रस्ट करके पैसा डाल दिया है,
एक फिजिकल क्लाइंट आता है वो 5 मीटिंगें करता है, 6 मीटिंगें करता है, उसके बाद फिर सोचता है कि अभी पैसा दे ना दे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी हम आपकी क्वेरी के ऊपर आते हैं, थोड़ा अपनी एज बताएंगे क्या है? ओके सर, एज बताइए क्या है आपकी? सर मैं 24। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन बीएससी माइक्रोबायोलॉजी? यस सर। इसमें अपना सीजीपीए बताइए कितना है आपके परसेंटेज? 67%। तो कौन से साल में पास आउट हैं आप? सर 2020। कोई बैकलॉग थे इसमें? सर हाँ, बैकलॉग थे, मैं इलनेस के कारण मैं एब्सेंट था, तो वहाँ पे 2 सेमेस्टर का बैकलॉग है मेरे पास। ओके सर, दो ही दो बैकलॉग थे या 2 सेमेस्टर के थे? 2 सेमेस्टर के थे। कितने टोटल? सर 12। ठीक है, तो आपने 2020 में की है। अभी सेकंड मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट किया हुआ है, कोई टॉफल, कोई आईएलटीएस? हाँ, क्या है? हाँ सर, मेरा आईएलटीएस किया है मैंने। उसमें कितने बैंड हैं आपके? सर 6.5 ओवरऑल, नो बैंड लेस देन 6। ओके, तो ऐसे है आलोक सरकार, आपकी प्रोफाइल इट्स रियली वेरी गुड प्रोफाइल है, तो मैं आपकी प्रोफाइल के लिए कंट्री रिकमेंड करूंगा। आप स्वीडन और फिनलैंड में अपनी एप्लीकेशन डालिए, क्योंकि आपने प्रेफरेंस भी इन नॉर्डिक स्टेट जब डिस्कशन स्टार्ट की थी कि यू आर सेइंग कि यू आर लुकिंग फॉर नॉर्डिक स्टेट, तो फिनलैंड फिनलैंड में और स्वीडन में डालिए। इवन डेनमार्क के लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी है, तो मैं प्रेफरेंस दो इन कंट्रीज को दूंगा, फिनलैंड और स्वीडन को। टॉप प्रायोरिटी हम फिनलैंड को देना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्डिक स्टेट के अंदर जितनी भी 4 कंट्रीज हैं, इन 4 कंट्रीज में जो एजुकेशन सिस्टम है, फिनलैंड का कंपेरेटिवली बाकी कंट्री से, इवन वर्ल्ड कंट्री से भी आप कंपेयर करते हैं, तो फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इज रियली प्रेजेबल है और बहुत ही बढ़िया है। तो उसमें आपको सितंबर का इंटेक मिलेगा। सितंबर के इंटेक में आपका हम वहां पर वीजा में हेल्प करेंगे, लेकिन वहां की यूनिवर्सिटीज के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, जहां पर हमें आपका एडमिशन डालना है। तो सेकंड थिंग, यहाँ पे फिनलैंड में कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जब भी हम फिनलैंड की फाइल लेते हैं, उसमें हम सबसे पहले क्लाइंट से पूछते हैं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, आपने मुझे बताया होगा तो तभी आपने हमें पैसे भी ट्रांसफर किए होंगे। वो मैं डॉक्यूमेंट की फिर डिस्कशन कर देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वहां के फंड्स जो आपने एट द टाइम ऑफ वीजा दिखाने हैं। तो फंड्स में हमें एटलीस्ट आपके बैंक में अप्रोक्स 10,000 यूरो की अमाउंट चाहिए, आपके पेरेंट्स के अकाउंट में हो या आपके अकाउंट में हो, और साथ में 6 मंथ पुरानी स्टेटमेंट चाहिए, 6 मंथ ओल्ड। और इसके अलावा हमें सोर्स ऑफ इनकम के भी डॉक्यूमेंट चाहिए। आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके भी लग जाएंगे डॉक्यूमेंट, अगर आपके पेरेंट्स कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कोई जॉब कर रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट लगेंगे बांग्लादेश के। सर एक बात बोलना चाह रहा था। बोलिए सर। एक्चुअली यू नो हमारा एक प्रॉपर्टी भी रिसेंटली हम लोग सेल कर चुके हैं, तो उसका 10,000 यूरो अप्रोक्स आता है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी सेल का भी डॉक्यूमेंट सोर्स ऑफ फंड के लिए दिखाना, अगर वो 100% आप दिखा सकते हैं। आपका जो यहाँ पे यहाँ से ये प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, समझ के प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, उस डिपार्टमेंट से आपको एक डॉक्यूमेंट मिला होगा सेल परचेज का। हाँ, रजिस्ट्री जिसे हम तो यहाँ पे सेल डीड कहते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो वो सेल डीड आपके पास भी होगी। वो सेल डीड की कॉपी हमें चाहिए, इंग्लिश में होनी चाहिए। ओके हाँ, अगर वो सेल डीड की कॉपी हमें दे देते हैं और पैसा आपके अकाउंट में आया है, तो देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, वो एक एविडेंस वहां पर लग जाएगा। और आपके पेरेंट्स का या आपका यहाँ पर टैक्स सिस्टम है आपके यहाँ पे इंडिया में इनकम टैक्स, हाँ, तो उसके भी हमें डॉक्यूमेंट चाहिए आपके फादर के या मदर के, वो भी हमें पिछले 2 इयर्स या 3 इयर्स के चाहिए। ये मेन चीजें हैं। अगर ये मेन डॉक्यूमेंट आपके पास है तो देन वीजा में कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी प्रोफाइल के लिए। आपकी प्रोफाइल को हर एक कंट्री रेड कार्पेट वेलकम करती है, बट आपका कंसल्टेंट कंपिटेंट होना चाहिए। वो ना हो कि आपका कंसल्टेंट ऐसा हो कि आपकी प्रोफाइल को इटली के अंदर डाल दे या माल्टा के अंदर डाल दे, वहां से वीजा नहीं आना है ऐसी प्रोफाइलों का। हाँ, ये ख्याल रखिए, क्योंकि दे आर गिविंग ए लॉट ऑफ रिफ्यूजल्स। तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम केस वहां पर डालें, यहाँ पर हम आपको रिजल्ट दे पाए। अभी आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, फीस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जो वहां की ट्यूशन फीस कितनी है। तो वहां की ट्यूशन फीस आप साल की भी कंप्लीट दे सकते हैं और सेमेस्टर वाइज भी दे सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर है।
अगर आप सेमेस्टर की फीस देते हैं तो 5000 यूरो के अप्रोक्स फीस आएगी एक सेमेस्टर की। तो सम यूनिवर्सिटीज वहां पर क्या करती है कि अगर आप साल की फीस ट्रांसफर करते हैं तो वो आपको एक डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज 15% का, कोई 20% का, कोई 25% का, वो डिपेंड है किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन आया है। अगर वो आपका यहाँ से एडमिशन आया होगा उस यूनिवर्सिटी से, अगर उनके अंदर ऐसी कोई टर्म कंडीशंस होगी तो मैं आपको वो भी कन्वे करूंगा, अदरवाइज आप एक सेमेस्टर की फीस देके अपना वीजा यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर और एक चीज और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम, इट इज लिटिल बिट, थोड़ा सा टाइम लगता है आपकी जब रेजिडेंसी पड़ती है, क्योंकि अगर मैं इस कंट्री को स्वीडन के साथ कंपेयर करूं, स्वीडन का जो फास्ट है प्रोसेसिंग टाइम, आइदर एडमिशन का भी, आइदर उनका वीजा का भी, दे आर वेरी फास्ट। उन्होंने अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेट दे दी है कि हमने आपका डिसीजन 15th of Jan को देना है, तो 15th of Jan से पहले पहले या 15th of Jan को डिसीजन देंगे ही देंगे। ऐसा नहीं है कि उसको 16 को 16 करेंगे उसको, दे आर वेरी मतलब स्पेसिफिक अबाउट ऑल ऑफ द जो डेट्स उन्होंने मेंशन की होती है। ये थोड़े से लेजी हैं कंपेरेटिवली, अगर मैं इसको स्वीडन के साथ, दे आर डूइंग सम प्रोसेसिंग टाइम मैक्सिमम इनका एडमिशन आने के बाद। जब आप अपनी रेजिडेंसी स्टूडेंट की अप्लाई करते हैं, यहाँ पर भी कार्ड मिलता है, दे आर टेकिंग मैक्सिमम 3 मंथ, अदरवाइज हमारे स्टूडेंट्स का, अदरवाइज हमारे स्टूडेंट्स का जो रेजिडेंसी कार्ड है 1 वीक के अंदर भी आया है, 2 वीक्स के अंदर भी आया, 4 वीक्स के अंदर भी आया है, 8 वीक्स के अंदर भी आया, मैक्सिमम मैंने फिर बता दिया कि 3 महीने भी लगे हैं, 12 हफ्ते भी लगे हैं। तो यही है इसमें फर्क। हाँ, और पूछिए कोई क्वेश्चन हो आपका बांग्लादेश से, एक मैं भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। तो आप मुझे ये बताएंगे आपकी कंट्री के अंदर ढाका में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं आप? हाँ सर, मैं ढाका में रहता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर पूछूंगा, आप ये बताइए अगर आप ढाका में रहते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम जो फॉरेन की एम्बेसीज है ढाका के अंदर है या अनदर लोकेशन में भी है? सर मैक्सिमम सर 90% ढाका में है सब, सब एम्बेसीज। ठीक है, बहुत अच्छा लगा कि 90% एम्बेसीज वहां पर है। तो ये बताइए कि आपकी नॉर्डिक स्टेट जितनी भी ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्वीडन या फिनलैंड की एम्बेसी वहां पर है ढाका के अंदर? सर स्वीडन की एंड नॉर्वे की एम्बेसी वहां पे है, लेकिन फिनलैंड के लिए हमें दिल्ली आना पड़ता है। हाँ, तो फिनलैंड के लिए फिर दिल्ली आना पड़ेगा अपने बायोमेट्रिक्स के लिए। एक ये नॉर्मल सी इंटरव्यू भी लेते हैं, इनकी इंटरव्यू बहुत ही नॉर्मल होती है, बहुत ही नॉर्मल। अगर सबसे जो टफ इंटरव्यू है वो है इन नॉर्डिक स्टेट में डेनमार्क की। डेनमार्क दे आर टेकिंग ए वेरी लॉन्ग इंटरव्यू, उसके बाद स्वीडन की आती है। तो फिनलैंड की जो इंटरव्यू है इट इज वेरी वेरी नॉर्मल। स्वीडन की समटाइम्स दे आर नॉट टेकिंग द इंटरव्यू, अगर वो इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं तो 30 से लेकर 40 मिनट या 1 घंटा लगाते हैं। तो डेनमार्क वाले भी इतना टाइम लेते हैं इंटरव्यू पर। तो यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जनरल क्वेश्चन पूछते हैं। सर एक बात बोलना था सर, एक्चुअली जैसे मैंने बोला फिनलैंड का कोई एम्बेसी हमारे कंट्री में नहीं है, इसीलिए सर हमारे यहाँ सर बहुत गलत एजेंट है जो स्टूडेंट को सर गुमराह करते हैं, एंड यू नो बहुत सारे पैसे लेके वो मलेशिया एंड इंडोनेशिया दिस कंट्री में भेज देते हैं, एंड ऐसा हुआ भी है सर बहुत लोगों के पास। एंड यू नो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स अब तो ऐसे हो चुके हैं सर, बांग्लादेश के कोई कंसल्टेंट से कोई यू नो वर्क नहीं कराते। बहुत सारे ढाका में सर बहुत ही गलत एजेंट मैंने भर चुके हैं सर। ठीक। तो मुझे ऐसे है कि बांग्लादेश के बारे में वी आर वेरी वेरी फेमराइज्ड, मुझे बांग्लादेश के एजेंट्स के बारे में काफी नॉलेज है, और बांग्लादेश वाले लोग, मैं एजेंट्स को अभी ये टारगेट तो नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा चीट करते हैं, बहुत ज्यादा चीट करते हैं। और मैं कहूँ कि हम इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि हम बांग्लादेश वाले एजेंटों के साथ काम करें। दे आर मेकिंग ए लॉट ऑफ फेक कमिटमेंट, फेक थिंग, बहुत गलत करते हैं बच्चों के साथ, सच्चाई बताता ही नहीं है कोई। जी सर। तो और पूछिए कुछ सर। और सर जो फिनलैंड का सर वीजा कब फाइल करना होता है सर? एडमिशन आने के बाद इमीडिएटली हम वीजा फाइल कर देते हैं, इमीडिएटली विद इन 1 or 2 वीक के अंदर जब आप फीस ट्रांसफर कर देंगे तो हम मैक्सिमम 1 हफ्ता लेंगे। और सर वहाँ पे सब पब्लिक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन? 100% पब्लिक यूनिवर्सिटी में।
ओके सर। तो और साथ में सरकार जी, आज आपको मालूम है कि आज 15th of December है और मेरी तरफ से आपको रिपब्लिक डे की, आज बांग्लादेश का रिपब्लिक डे है, मेरी तरफ से आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको मालूम है कि हमारे प्रेसिडेंट वहां पर आए हुए हैं ढाका में। हाँ सर, न्यूज़ तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, दे आर इन बांग्लादेश, आज वहां पर हैं, वो उनको स्पेशली इनविटेशन भेजा गया है इस रिपब्लिक डे परेड के लिए। तो आज बहुत बढ़िया दिन है आप लोगों के लिए भी, तो हमारे लिए भी। फॉर्चुनेटली आज आपसे डिस्कशन भी हुई, आज 15th of December निकला, तो वंस अगेन आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं? थैंक यू सर। और सर बोल रहा था, फीस सर एडमिशन होने के बाद सर कितने दिन में भेजना पड़ता है? आप जितने फास्ट भेजेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। हाँ, इस वीडियो के थ्रू मैं सब बच्चों को एक और मैसेज देना चाहता हूँ, बच्चों को, पेरेंट्स को, जब भी आपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में अपना एडमिशन या वीजा अप्लाई करना है, तो कोशिश ये करनी है कि आपने एडमिशन के बाद अगर जाना है तो सीरियसली विद इन 1 week के अंदर फीस भेज दीजिए अगर जाना है, और फीस भेजने के बाद विद इन 1 week के अंदर अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करनी है। जितना फास्ट काम करेंगे उतना ज्यादा आपका जो केस के ऊपर डिसीजन जल्दी आएगा। और सर एक बात बोलना चाह रहा था सर, सर वहाँ पे कोई हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा कुछ लगता है सर? हेल्थ इंश्योरेंस लगता है, वो साल का यहीं से बनेगा। मैं आपको बता दूंगा कौन सी एजेंसी से बनाना है, आपने बांग्लादेश से ही वो बना लेना है, वो आई विल टेल। उसके ये 100 यूरो लगेगा, 100 यूरो समझते हैं, 100 यूरो लगेगा अप्रोक्स, वो आप बांग्लादेश से ही बना लेना, मैं बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा आपको। ओके ओके, ठीक है सर। आलोक जी, ओके, थैंक यू। ठीक है आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये हमारी पूरी डिस्कशन रही है। आलोक जी, फिर हम इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। मेरी तरफ से आपको और आपके पेरेंट्स को नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार सर।